वायनाड च हुई भारी लैंडस्लाइड च हुण तक 300 तो भी वध लोकां दी जान चली गई है ते लगातार लोकां नूं कढ़न दे लई रेस्क्यू ऑपरेशन भी कीता जा रहा। दस दे के केरल दे विच वायनाड दे विच इह भारी तबाही आई है, जिस तों बाद दीआं इह तस्वीरां भी सामने आईआं ने जिथे 300 तो भी वध लोक हुण तक अपनी जान गवा चुके ने ते 200 तो भी वध लोक हाले लापता दसे जा रहे ने, जिन्हां दा कि हाले तक कोई भी पता नहीं लग सकिया ते लगातार इन्हां नूं लब्भन दे लई कोशिशां कीतियां जा रहियां ने। तां इह तस्वीरां सामने आईआं ने, वेख सकदे हो किस तरीके दे नाल इन्हां गड्डियां दा भारी नुकसान होया। तां बिल्कुल इह गड्डियां खत्म हो चुकियां ने, तां मौके ते कई दरख्त भी लगे हुंदे ने जो कि उखड़ जांदे ने। तां भारी मलबा मौके ते मौजूद हुंदा है जिस नूं कढ़न दे लई लगातार कोशिशां कीतियां जा रहियां ने। तां दस दईए कि लैंडस्लाइड दे चौथे दिन भी इह रेस्क्यू दा काम जारी है। तां गुमे होए लोकां नूं लब्भन दे लई रेस्क्यू दीआं 40 टीमां बनाईआं गईआं ने जो कि लैंडस्लाइड नाल प्रभावित 6 जोनां दे विच काम करनगीआं। तां दस दईए कि भारी तबाही एक बार फिर तो बरसातां दे मौसम दे विच आई है, जिथे पिछले साल हिमाचल अते पंजाब दे विच इसने तबाही मचाई सी, तां इस साल केरल दे विच इसने वड्डा नुकसान कीता ते हुण तक 330 लोक अपनी जान गुआ चुके ने ते कई 100 लोक हस्पतालां दे विच जख्मी हालत दे विच भर्ती ने ते 200 तो भी वध लोक हाले तक लापता ने, जिन्हां नूं लब्भण दे लई रेस्क्यू ऑपरेशन कीता जा रहा है। तो आज इस ऑपरेशन का, सर्च ऑपरेशन का चौथा दिन है। कल शाम 6 बजे हमारा जो बेली ब्रिज है 24 टन लोड क्लासिफिकेशन, वो हम थ्रू कर चुके हैं और उससे अभी आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पहुंच पाए हैं। ये पुंजरी मट्टा है जो कि एक इस लैंडस्लाइड का जो एक्सट्रीम अपस्ट्रीम जो एरिया है, इसके आगे तकरीबन और 500 मीटर 1 किलोमीटर तक जहां लोग बस रहे थे उधर डैमेज हुआ है। बट दिस इज मोर और लेस एट द वेरी सोर्स ऑफ द लैंडस्लाइड, द फादेस्ट एंड वेयर देयर इज हैबिटेशन। तो यहाँ पे अभी आराम से आप लोग पहुंच चुके हो, गाड़ियां की हरकत हो चुकी है और जैसे और जो रास्ता है उसको खोला जा रहा है ताकि यहां पर भी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट पहुंच सके। जहां हम खड़े हैं ये स्लोप पूरा, यहां पे घर थे, दुकानें थी और हैबिटेट था। और अगर आप अपना कैमरा घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरे जो पानी का स्वेल आया था उससे ये घर बह गए हैं और टूट चुके हैं पूरी तरह से। जी बिल्कुल, जहां हम खड़े हैं अभी ये घर का प्लिंथ है जहां पर एक समय पे कोई रहता, 4 दिन पहले यहां घर था। तो ये आपका कैमरा अगर आप नीचे की तरफ करें तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट 80 से 100 फुट ऊपर है इस रिवर के बेस लेवल तक। तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा पानी का, कितनी तादाद और कितने वॉल्यूम से और कितनी स्पीड से पानी आया होगा। आज हम इस एरिया को हमने और तफसील से और गहराई से सर्च कर रहे हैं। इसको हम 6 जोन्स में बांट दिया है और जो जो फोर्सेस आए हैं उनको हमने अपने अपनी जिम्मेवारी का इलाका बांट दिया है। अभी हमारे पास कुछ एक और साधन है सर्च करने के लिए, जैसे ट्रैकर डॉग, ये स्निफिंग डॉग्स और मिल गए हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट और आ गया है। और जहां जहां शक है कि यहाँ पर अभी भी कोई दबा हुआ है, कोई बॉडीज हैं, तो उसकी सर्च में आज कार्रवाई की जा रही है। जी, तो अभी जो आज कार्रवाई हो रही है, जहां जहां जो यहाँ के घर वाले हैं और उनके पड़ोसी हैं जो जिनको नॉलेज है इसका, उनको हमने अपने अपनी टीम्स में साथ लिया हुआ है क्योंकि वही बता पाएंगे कि एग्जैक्टली कितने लोग थे, कहाँ थे, कोई मिसिंग है, और उनकी मदद से हम सर्च कर रहे हैं। और अभी तक, सुबह से अभी तक तो कोई बॉडी नहीं मिली है। कल यही जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे बॉडीज मिली थी और आज उसको और डिटेल में सर्च किया जा रहा है। जी, जैसे आप देख रहे हैं, आप भी यहाँ 4 दिन से हैं, यहाँ लगातार बारिश आ रही है, तो उससे यस थोड़ा फर्क तो पड़ रहा है ऑपरेशन की स्पीड में, लेकिन बारिश में भी काम हो रहा है। कल जब ब्रिज लगा रहे थे तो उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस होना पड़ा था क्योंकि वो बहुत स्लिप कर रहा था, जहां पर ब्रिज पे जो पार्टियां चढ़ी हुई थी, तो वो बहुत सावधानी से ब्रिज लगाना पड़ा कि कहीं कोई नीचे ना गिर जाए या कोई ब्रिज का सेक्शन टूट ना जाए, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगा। लेकिन वो ब्रिज अभी बिल्कुल सेफली इंटैक्ट है और उस पर ट्रैफिक हरकत कर रहा है।
बाकी टीम्स हैं वो अपना बारिश में काम कर रहे हैं, उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, काम कर रहे हैं। सो टुडे इज द फोर्थ डे ऑफ दिस रेस्क्यू ऑपरेशन। लास्ट इवनिंग बाय अबाउट 1800 आवर्स, 6 इन द इवनिंग वी वर एबल टू इरेक्ट द ब्रिज एंड मूव व्हीकुलर ट्रैफिक अपस्लोप। दिस एरिया वे वी आर स्टैंडिंग नाउ इज पुंजरी मट्टा, which is towards the extreme edge, the source of the landslide. Beyond this, for another 300 to 400, maximum 500 meters, there is habitation. And beyond that, then there is a forest area where there is no habitation, and therefore very low, slim chance of any human habitat and casualties in that area. This area was relatively difficult to access, but as you can see now, we are opening the road track till here so that vehicles can come in and we are able to get more manpower and more equipment to clear. If you take your attention to my right and your left, where the river is at the bottom, we are roughly 80 to 100 feet above the river bed. So the deluge you can imagine was right up till here. The place where we are standing is the plinth of a house which has been washed away. So you can imagine that the water would have come 80 to 100 feet height and washed away all these shops and buildings in this area. There were approximately 30 to 40 dwellings here where we are standing now. Yesterday we had recovered two bodies over here. The search effort is on again today. We've got additional strength in terms of more sniffer dogs. And now even the locals who were residents here and their neighbors, they are being incorporated into the search parties because they have exact knowledge of which house had how many inhabitants and what is likely to be found there. So search efforts are ongoing today as well. All the live person from these areas, we have divided the entire areas into various zones. A joint team of the Indian Army, the NDRF, the local police special operations groups, fire force, the K-9 squads, Coast Guard and Navy have been operating in all these areas. Last 2 days we were able to recover large number of bodies. Still some of the areas has to be excavated more. Today probably we are, since we are more machinery, we will be able to dug and see that whether more and more areas has been explored, and we are trying to get more bodies. See, so officially itself, as per enquiries itself, it is more than 200 people, but you see there are a lot of people from other states which we may not be able to find out. The revenue department is still trying to collate the data and find out how many people are here and how many people are missing. I think probably in 1 or 2 days we will be able to tell you. Total death, see, we have so far recovered more than 200 body and death, bodies and body parts.